नमस्ते, वेलकम टू माय किचन। आज हम लेके आ रहे हैं आम का पापड़, जो चटपटा और खट्टा मीठा है। वो बहुत टेस्टी होते हैं। इसे आप साल भर के लिए स्टोर करके रख सकती हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक का बटन जो प्रेस कर दीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 किलो के लगभग ये आम है, इन्हें छिलका निकाल के छोटे छोटे पीसों हमने काट लिया है। इन्हें बॉयल करेंगे हम। एक बर्तन में हम इन्हें डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए इन्हें बॉयल करेंगे हम। बहुत जल्दी ये बॉयल हो जाते हैं, बहुत अच्छे से मुलायम हो जाते हैं ये। इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। इन्हें खोल के देख लेते हैं एक बार। ये देखिए कितने अच्छे से देखिए पक गए हैं बिल्कुल। इन्हें ठंडा कर लेंगे हम। ठंडा करके फिर ग्राइंड करेंगे हम। ये काफ़ी टेस्टी होता है, बहुत चटपटा लगता है। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं साल भर के लिए और इसका चटनी भी बना सकती हैं। तो इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे से पेस्ट बन चुके हैं ये। ये देखिए ये कितनी अच्छी सी स्मूथ से पेस्ट बन गए हैं ये। पैन में हम इन्हें डाल देंगे। अब इसमें 1 कप के लगभग हम चीनी डाल देते हैं। 1 से 1.5 कप हमने डाला है, क्योंकि कच्चा आम है तो थोड़ा सा चीनी लगेगा इसमें तो। लेकिन बहुत ही खट्टा मीठा बहुत टेस्टी होता है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है इसमें। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और ये देखिए अब इसमें हम कुछ नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। ये अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। देखिए काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं ये, पक गए हैं बिल्कुल। एक बार जो ट्राई करिएगा आपको बहुत पसंद आएगा ये, और बहुत इजीली इसे हम बना लेते हैं। अब इन्हें हम गैस ऑफ कर देंगे। अब इसे एक थाली ले लेंगे हम, इसमें थोड़ा सा हम तेल लगा देंगे। इसे आप धूप में 2 दिन लगेंगे। अब इसको आप पंखे में भी सुखा सकते हैं, 2 से 3 दिन इसमें लग जाएंगे। ये काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं ये। काफ़ी इजली तेल लगाने से काफ़ी इजली ये निकल जाते हैं। अब ये डाल देते हैं हम। आपको जितना मोटा पसंद है उसी हिसाब से बनाइए। पतला बनाना हो पतला बनाइए, थोड़ा मोटा बनाना है तो मोटा बनाइए। आपको जैसा पसंद है उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने फैला दिया है चारों तरफ से। और दूसरी थाली में भी हम इसी तरह बनाएंगे। देखिए इन्हें भी हम फैला लेते हैं। ये बन चुके हैं। अब इन्हें हम धूप में रख देंगे। धूप में 2 दिन बाद हमने देखिए काफ़ी अच्छे से ये हो चुके हैं। इन्हें भी देखिए अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इस तरह से किनारे किनारे से हम पहले निकालेंगे। अच्छे से ये निकल जाते हैं। ये देखिए
ये कितनी अच्छी सी निकल गया, बिल्कुल इतना मोटा ये पापड़ बना हुआ है। और इसे बहुत से लोग पापड़ अमावट भी बोलते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे वैसे ही बच्चे बहुत पसंद से खा लेते हैं, और इस ये बाद में आप इसे चटनी भी पीस सकते हैं, इसे तो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक का बटन जो प्रेस कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं ये प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड और फैमिली को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।